देश आज 78वां स्वाधीनता दिवस का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे और 11वीं बार लाल किले पर लगातार तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे। इस बार 15 अगस्त की थीम है विकसित भारत और इस थीम का मुख्य उद्देश्य है प्रधानमंत्री द्वारा साल 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के सपने को साकार करना। एक ऐसा देश जो सही मायनों में हर तरह से आजाद हो जाएगा और इसी थीम पर इस बार 15 अगस्त का जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 7:30 बजे ध्वजारोहण करेंगे। तो देश आज 78वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार ध्वजारोहण करेंगे। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो ऐतिहासिक लाल किले से 78वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और अपना पारंपरिक संबोधन भी देंगे, जिसकी थीम इस बार विकसित भारत 2047 रखी गई है। इसका उद्देश्य है 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की दिशा में सरकार की कोशिशों को आगे बढ़ाना। तो आज प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा उसमें आपको विकसित भारत के आगे की क्या रणनीति है मोदी सरकार की वो देखने को मिलेगी। ये सीधी तस्वीरें आपको लाल किले से दिखा रहे हैं जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का और पीएम जब यहां पर पहुंचेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। रक्षा मंत्री खुद यहां पर मौजूद रहेंगे और लाहौरी गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उसके बाद में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और निरीक्षण भी करेंगे, जिसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से स्वागत होता है। और ये आपको कुछ पुरानी तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2014 जब प्रधानमंत्री पहली बार बने थे नरेंद्र मोदी, तब से लेकर 2023 तक की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और हर बार एक अलग पगड़ी होती है और अपने संबोधन में आगे की क्या रणनीति है और कई बड़े तोहफे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भारत की जनता को दे चुके हैं। आज इंतजार है प्रधानमंत्री के संबोधन का। जब पीएम मोदी संबोधित करेंगे तो वो अपने संबोधन में क्या कुछ बड़े तोहफे भारत की जनता को देते हैं, इसके अलावा विकसित भारत को लेकर क्या आगे का प्लान है मोदी सरकार का, उसकी झलक भी आज प्रधानमंत्री के संबोधन में देखने को मिलेगी। और थोड़ी देर में राजघाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। तो लाल किले पर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचते हैं और राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं और उसके बाद में वो सीधे रवाना हो जाते हैं लाल किले के लिए। लाहौरी गेट से उनकी एंट्री होती है और इस बार जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 6000 से ज्यादा स्पेशल गेस्ट को भी आमंत्रित किया गया है और साथ ही कार्यक्रम में खास तौर पर अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहले से जो लोग जुड़े हुए हैं, युवा जो लोग जुड़े हुए हैं, इसके अलावा वॉलंटियर्स, आदिवासी समुदाय के लोग और साथ ही किसानों के संगठन के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें आप देखेंगे जब वो राजघाट पर मौजूद रहेंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं और नेता प्रतिपक्ष की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाल किले से राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, इससे पहले आपने चिराग पासवान की तस्वीरें भी देखी थी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा लोकसभा सांसद शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच चुके हैं। तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और थोड़ी देर में बस प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन लाल किले पहुंचने से पहले राजघाट जाएंगे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं लाल किले पर और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जो कि अपनी पत्नी के साथ में पहुंच गए हैं और तीसरी तस्वीर है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण भी पहुंच गई हैं, वित्त मंत्री। तो तीन तस्वीरें आपके सामने हैं और थोड़ी देर में आप वो तस्वीरें देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच जाएंगे और लाल किले पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री को रक्षा मंत्री और साथ ही रक्षा सचिव सहित जो प्रमुख हस्तियां हैं वो स्वागत करेंगी और सेना, नौसेना, वायुसेना और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के कर्मियों के द्वारा उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और
स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे और साथ ही जो कोऑर्डिनेटिंग जवान और कमांडिंग अधिकारी हैं वो भी उस वक्त मौजूद रहेंगे। तो थोड़ी देर में आप ये तस्वीरें देखेंगे गार्ड ऑफ ऑनर की, लेकिन उससे पहले तस्वीरें सामने आएंगी राजघाट से। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास की, ये तस्वीरें जहां उन्होंने ध्वजारोहण किया है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब तस्वीरें जो आप देखेंगे रक्षा मंत्री की, वो लाल किले से देखेंगे जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। तो झंडा फहराने के लिए प्राचीर की तरफ प्रधानमंत्री बढ़ेंगे, उसके बाद में 105 mm लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल करके उनको 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। ये राष्ट्रीय गौरव और उत्सव का एक अहम क्षण होता है। तो वहीं राष्ट्रीय ध्वज गार्ड तिरंगे को फहराए जाने पर राष्ट्रीय सलामी भी देंगे, जिसमें सशस्त्र बलों और दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधि भी शामिल रहते हैं। तो फिलहाल ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं जब उन्होंने अपने आवास पर तिरंगा फहराया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। तो प्रधानमंत्री की तस्वीरें थोड़ी देर में आपके सामने होंगी। लाल किले की ये तस्वीर आपको हर एक एंगल से दिखा रहे हैं कि कितनी भव्य तैयारी की गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और वायु सेना, जल सेना और इसके अलावा नव सेना सभी तैयार हैं। और जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो वो मुलाकात भी सभी से करते हैं और ऐसे में लाहौरी गेट से जब प्रधानमंत्री की एंट्री होती है तो उनके स्वागत के लिए जो सेना के जवान हैं वो पहले से मौजूद रहते हैं और साथ ही रक्षा मंत्री भी आपको नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री को आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जैसे ही झंडा फहराएंगे पुष्प वर्षा भी की जाएगी। स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से फूलों की पंखड़ियां बरसाई जाएंगी और हवाई प्रदर्शन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर अगले दशकों में देश को विकसित बनाने की रूपरेखा जनता के सामने पेश करेंगे। तो प्रधानमंत्री का ये संबोधन अपने आप में बेहद खास होता है क्योंकि कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री अपने संबोधन में लाल किले से जनता के सामने रखते हैं और अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। लाल किले पर कैसी तस्वीर है, वो तस्वीर से लेकर जो लगातार मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सभी पहुंच चुके हैं। अब बस इंतज़ार है प्रधानमंत्री के पहुंचने का और जो वक्त है वो 7:30 बजे का बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और झंडा फहराएंगे। तो प्रधानमंत्री झंडा फहराने के साथ ही वहां पर मौजूद राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट राष्ट्रगान भी करेंगे जो कि राष्ट्रीय एकता और गौरव का प्रतीक है। कैडेट एक ऐसे आयोजन में भी हिस्सा लेंगे जिसमें मेरा भारत लोगों को हाईलाइट किया जाएगा, जिसमें कस्टमाइज तिरंगा किट शामिल होंगे और इसके अलावा 500 वॉलंटियर्स भी काफी सक्रिय भूमिका में आज रहेंगे। ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी खास मेहमानों को आज बुलाया गया है और 6000 से ज्यादा खास मेहमान आज लाल किले पर मौजूद रहेंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, तिरंगे के 3 रंग आपको हर तरफ नजर आएंगे। और आज जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो वो कौन से राज्य की जो कॉस्ट्यूम होती है, जो पगड़ी होती है, उस पर काफी चर्चा होती है। ताबतखाना, मोती मस्जिद, मीना बाजार, दीवाने खास, दीवाने आम जैसी खूबसूरत ऐतिहासिक प्रदेशों से पारंपरिक पोशाक पहने लगभग 2000 लोगों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग आज लाल किले में मौजूद।